सो हे गाइस, मैं आपकी होस्ट नुपुर एंड वेलकम टू माय चैनल इन ब्लॉगर नुपुर। आज है 12 मई और लॉकडाउन जैसे कि हमेशा की तरह आज भी है लॉकडाउन, और घर में बैठे बैठे बहुत ज़्यादा ही हम मतलब बोर हो रहे हैं। हमारे घर में सब लोग बोर हो रहे हैं और अभी जो है वो दोपहर के आई थिंक 2:30 बज रहा है और समझ नहीं आ रहा क्या करा जाए, क्योंकि बाकी दिन सुबह और इवनिंग जो है वो कैसे ना कैसे कट जाता है, बट ये दोपहर का टाइम जो है वो काटे नहीं कटता है। अगर सो गए तो ठीक है, नहीं सोए ना फिर बैठे हैं क्या करें, कब तक फ़ोन भी देखें, कब तक टीवी देखा जाए। तो आज मम्मी ने सोचा कि चलो क्यों ना रसगुल्ले बनाया जाए। तो अभी दिखाते हैं हमारी प्रिपरेशन, क्योंकि मम्मी जो है अभी वही पूरी तैयारी कर रही है रसगुल्ले की, तो दिखाते हैं अभी आपको हम। और एक और बात, आप लोग प्लीज़ मेरे अभी ये जो लुक है इसको जज मत करिएगा, क्योंकि अभी हम बस लेटे थे और एकदम से दिमाग में थॉट आया कि चलो क्यों ना व्लॉग बनाया जाए, तो बस कैमरा उठाया और चालू हो गए। तो अभी बस बाल वाल थोड़े से ख़राब है, क्योंकि मेरा मतलब लिटरली मन नहीं करता है कि मतलब मेकअप करके अगर बुरा शूट करो, क्योंकि हम बहुत बड़े वाले आलसी हैं पहली बात तो ये। ऊपर से अब मेकअप में क्या कर रहा है, गर्मी भी बहुत है तो लगता है बस दूर रहो और जैसे हैं वैसे ही नॉर्मल दिखाओ, तो वो ज़्यादा अच्छा है, नेचुरल इज़। तो मम्मी ने ये जो है रसगुल्ले का जो ये आटा वगैरह जो भी है इसको मार कर रख लिया और इधर चढ़ा दिए चाशनी। अब इसकी गोलियां बनेंगी, फिर इसको फ्राई करा जाएगा। और ये देखिए हमारा पैकेट शुगर फ्री हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि हेल्थ को भी नुकसान ना हो और टेस्ट का टेस्ट भी आए। तो हमारी चाशनी जो है वो ऑलमोस्ट होने लगी है और इधर मम्मी ने तेल मतलब क्या रिफाइंड डाल दिया है, समझ नहीं आ रहा। आटा कहे हो तो कहीं आटा तो सुन तुम्हारा खोया, आटा नहीं है ये तुमने कहा था। अरे आटा हम कह रहे आटा मार दिया है ये बताया आपको दिखा, मतलब मैंने बोला था कि ये आटा है पर ये आटा नहीं मैदे और खोए के रसगुल्ले बन रहे हैं, तो सॉरी मुझे नहीं पता था। इस टाइम इलायची को फूट रही हैं और ये जाएगा हमारे चाशनी में, जिससे कि फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे रसगुल्ले फाइनली बन चुके हैं और अब हम जा रहे हैं इसको टेस्ट करने। सो फ्रेंड्स अभी शाम के 5:30 हो रहा है और हम जा रहे हैं ज़रा बाहर, मतलब जा रहे हैं चाय पत्ती लेने। क्या हो गया इवनिंग की चाय का टाइम हो रहा था और जब चाय बनाने मेरी बहन गई तो उसने देखा कि चाय पत्ती जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी और उसने ध्यान भी नहीं दिया, तो बस हम जा रहे हैं देखते हैं कोई चाय पत्ती मतलब कोई दुकान खुली है कि नहीं खुली है। कौन सी शॉप पे चल रहा है वो आगे आगे? अच्छा तो देखते हैं हमको मिलती कि नहीं मिलती है, क्योंकि तो यार अब शाम है तो दुकानें तो सब बंद ही होंगी, सब सुबह खुलती हैं, तो देखते हैं शायद गली में कोई खुली हो, नहीं खुली होगी अंदर से मांगनी पड़ेगा। अभी एक शॉप पे पीछे पता किया तो वहाँ पता चला कि वहाँ तो है नहीं,
तो अंदर से पता है दुकान तो बंद है, तो एक पापा बैठे थे उनसे पूछा हम लोग ने तो दुकानें सब बंद है, बड़ी मुसीबत हो गई है लॉकडाउन में। सो फ्रेंड्स फाइनली हमको एक शॉप पीछे थी, तो मतलब वो अंदर से सामान दे रहे थे, हम लोग ने बाहर ही बाहर से ले लिया, तो हमको फाइनली हमारा चाय पत्ते का पैकेट मिल गया है 10 वाला, ये वाला, क्योंकि और बड़े पैकेट नहीं मिल रहे, और मिल भी रहे तो वो बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट में मिल रहे हैं, तो फिर जो मिला वही लिया। तो अब घर पे चलते हैं, चाय बनाते हैं, दिखाते हैं आपको भी। तो फ्रेंड्स हम आए हैं अभी ऊपर और चाय नाश्ता वगैरह सब कर चुके, और ये देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, मतलब पूरे काले घने बादल हैं आसमान में और हवा बहुत तेज़ चल रही है, आप देख ही सकते मेरे बाल उड़ रहे हैं, पूरा पूरा आंधी वाला फील आ रहा है, अभी आपको दिखाते हैं, मतलब पूरी आंधी आ रही, काले बादल हैं एकदम। आई थिंक मुझे अब नीचे जाना चाहिए, पूरे चलना चाहिए नीचे, बहुत तेज़ हवा चल रही है। आओ तुम भी देखो, पूरे आंधी आ रही बहन, नीचे चलो। काली वाली आंधी, मेरा पजामा देखिए, हालत दोस्तों बहुत ज़्यादा गाड़ी यहाँ पे आंधी आ रही, मेरा पजामा देखिए पूरा उधर दिखाइए, देखो इधर गाय पूरी काली आंधी आ रही, मेरे पजामा ये सब टी शर्टें देखिए पूरी हर जगह जगह बहुत तेज, जो दुबला पतला व्यक्ति हो तो उड़ जाएगा। आंधी आ रही है काली आंधी, ऐसे बचपन में खूब कहा करते थे काली आंधी पीली आंधी, और पीछे देखिए पेड़ मतलब ऐसे हिल रहे हैं, तूफान है। आई थिंक लॉकडाउन की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अब क्लीन हो चुका है, तभी मौसम मानसून जब पहले आ रहा है, बहुत धूल उड़ रही है, आई थिंक चलना चाहिए नीचे। मौली चलो नीचे, बाल गंदे हो रहे हैं। गाइस यहाँ पे आए ऊपर से, आपने लोग ने देखा हो कितनी बारिश हो रही, ओले गिर रहे, इतने मोटे मोटे ओले गिर रहे हैं बाहर, और आपको ये दिखा दूँ बैठ के नीचे पानी जा रहा है ये, और नहीं हमारे ये देखिए सब इस गेट से ये पूरा पानी आ गया, पूरी गंदगी आ चुकी है, वो देख रहे काला काला सब गंदगी है, सब दरवाजे से अंदर आया है, और बाहर बहुत मोटे मोटे ओले गिर रहे हैं। अभी मैं बाहर गया था, पूरा भीग गया हूँ, मतलब एक पूरा घर गंदा हो चुका है इस आंधी तूफान में, देख सकते हो विंडो से किस तरीके से पानी आया है पूरा, तो बहुत मतलब आफत हो चुकी है हमारे लिए, कि सफाई करने में बहुत मेहनत लग जाएगी। हमारे यहाँ टेम्परेरी जुगाड़ देखते हैं, हमने बीच में ये धागा बांध दिया है, क्योंकि हमारे इधर डिस्क का जो है ये तार आया है, तो वो विंडो से आया है, विंडो तब बंद नहीं होती इसकी वजह से, तो अब बंद करने के लिए ये किया गया है, लेकिन तब भी पानी बहुत आया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे दूसरे कमरे में, मतलब हमारे अम्मा के कमरे में पूरी ऐसी गंदगी आ चुकी है, पूरी से गंदगी बहुत मेहनत करने वाली है, हमारा बिस्तर पूरा गिल हो चुका है, और पूरी किसकिसी हो गई है बिस्तर, पूरे बिस्तर में जमीन बहुत किसकिसी हो गई है। गाइस ये मैं हूँ, बाहर ओले गिर रहा और यहाँ पे पार्टी हो रही है, पार्टी कम परेशानी ज्यादा हो रही है। सो फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि मतलब पूरा कमरा वगैरह सब गंदा हो चुका था, तो अभी हमने सफाई करी है और पूरी धुलाई करी है, यहाँ से ले गए पूरे वहाँ तक, और अब फिर भी थोड़ा सा बैठने लायक हो गया, देखिए वाइपर भी रखा है यहाँ पे, तो पूरी पे सब पूरी धुलाई हुई थी, तो अब ठीक लग रहा है, मतलब बहुत गंदगी निकली। कभी मुझे तूफ़ान बारिश का तो पसंद नहीं है, मतलब लोगों को ये बारिश का मौसम बहुत रोमांटिक लगता होगा, बट आई डोंट लाइक। सो फ्रेंड्स आज हमारे डिनर में पूड़ी और ये खोए के आलू, जो कि मम्मी ने थोड़े सुबह निकाल लिया था और रसगुल्ले बनाते वक्त, तो उसे खोए मतलब बहुत टेस्टी लग रही सब्जी गई, तो हम जा रहे हैं खाने और फिर बताते हैं आपको टेस्ट, क्योंकि अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आज है 13 मई, और
कल हम अपने कल अपना व्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं रख पाए थे, वो इसलिए क्योंकि कल आंधी तूफान आया था और उस वजह से लाइट जो है वो चली गई थी। तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लाइट आने के कोई चांसेस नहीं लग रहे थे, और फ़ोन की जो बैटरी थी मतलब जिस कैमरे से मतलब जिस फ़ोन से शूट कर रहा है तो इसकी बैटरी भी बहुत कम होती जा रही थी, इसलिए मैंने अपना ये रख दिया था और आगे का नहीं शूट किया, बस डिनर किया और उसके बाद बस वही आपको दिखाया था, इसका आगे का नहीं दिखाया। तो बस इसलिए हम अब आगे का आज शूट कर रहे हैं, और अभी जो है मॉर्निंग का वो 10 बज रहा है और अब हम करने जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट, और दिखाते हैं आप हमारे ब्रेकफास्ट में आज क्या है। तो आज हमारे ब्रेकफास्ट में जो है ये डिश बनी है, इसको हमारे यहाँ रुपया पैसा बोलते हैं, और ये बेसन का बनता है, मसाले में लपेट के इसको बनाया जाता है, और होप आपके यहाँ भी बनता ही होगा। तो आप यहाँ इसको कुछ और शायद से नाम बोलते होंगे, हमारे यहाँ तो इसको रुपया पैसा बोला जाता है, और ये बहुत टेस्टी होता है, काफ़ी चटपटा और मसालेदार था, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। और अभी हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट में ये भी था, ये कचरी, महीन वाली कचरी थी, ये तो सब आधे खा चुके हैं सब लोग, उसे नीचे का थोड़ा बहुत बचा है, तो बस हम भी खाने जा रहे हैं। और तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये ब्लॉग आंधी तूफान भरा वाला ब्लॉग जो है वो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो बस हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करो, और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो यूट्यूब पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और करो करो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो फास्ट, और घंटी बटन दबाना मत भूलना।